नीलकंठ जी का सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड पर, 1050 पर इन्होंने खरीद रखा है, क्या सलाह देंगे इन्हें? अभी देखते हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी में सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है, लेकिन ये लोग महंगे वाले हैं, थोड़ी ये प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम है, आपने 1050 पे खरीदा। ओके, हैप्पीस्ट माइंड का रिजल्ट नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है। तो 900 का जो टॉप है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके पहले तो कहना मुश्किल है, और वो तभी आएगा जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। दो दो चीजें दिख रही है, समझाता हूँ। 850 to 900, ये रेंज फिलहाल दिख रहा है। 850 के नीचे का क्लोज अगर होता है तो रिजल्ट मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगा। 900 के ऊपर का क्लोज होता है तो मतलब मार्केट रिजल्ट अप्रिशिएट करेगा, और फिर आपका 850 एक सैक्रोसेंट बॉटम बन जाएगा। यही रेंज लेके हमें हैप्पीएस्ट माइंड को इवेल्युएट करना है, और इसलिए नहीं मिल पाएगा बिकॉज सारा ट्रेंड डाउन है, सारा ट्रेंड डाउन है। और इसका कोई भी ट्रेंड जब तक 1000 रुपये फिर से निकल नहीं जाए तब तक अप नहीं होता है। अगर 1000 रुपये के ऊपर निकलेगा तो आपका कॉस्ट क्या आएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहां आना ही अभी सबसे बड़ा सवाल है। तो 850 to 900 अभी करंट रेंज है इसका। इस रेंज के ऊपर निकलने दीजिए या नीचे जाएगा तभी इसमें कोई डायरेक्शन आएगा। जी, इसमें भी एक तरह से ट्रायंगल बनेगा क्या? इसमें बहुत ज्यादा ऊपर का ट्रेंड लाइन क्लियर नहीं है, बहुत ही मिक्स एंड मैच का स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको थोड़ा सा भी अलग ही रखें। हाँ, लेकिन विजुअली तो एक बन रहा है ना, भले ही लाइनें नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप एक उसको नज़र से ट्रेंड देखें आप। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है, लेकिन उसको ट्रेंड लाइन से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। उसके लिए बेस्ट है 200 EM, बेस्ट। जी, तो 200 AD में अभी जो है वो 950 के आसपास दिख रहा है, 956 पर अभी है, थोड़ा सा नीचे आते ही जाएगा, तो 950 पर मोटे मोटे तौर पे कहीं पे टकराएगा। तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकले तब तक इसमें दिक्कत तो रहेगी ही। अब नतीजे जो आएंगे वही तय करेंगे कि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन अगर मानी जाए, या 850, अभी सोमेश जी ने कहा ही, तो 850 नीचे, 950 ऊपर, इसी के बीच में अभी ये झूल लेगा। और नतीजे अगर इसे या तो इतनी ताकत दें कि 950 के ऊपर निकल जाए, या इतना निराश कर दें बाजार को कि 850 के नीचे फिसल जाए, तभी फिर इसमें कोई नई कहानी बनेगी।